पीरियड में थायराइड की भी कमी कुछ स्त्री को दिखाई देती है, थायराइड डिफिशियंसी, जिसमें फिर उसका भी इलाज करना पड़ता है। इसमें यदि उनको ट्रीटमेंट बराबर दिया थायराइड की, तो थायराइड का प्रॉब्लम तो ठीक हो जाता है। अब ट्रीटमेंट इसमें क्या करें? ट्रीटमेंट है सोशल सपोर्ट, नंबर दो एजुकेशन कि भाई ऐसा होता ही है, नंबर तीन एक बोले जाता है एम्प्टीनेस सिंड्रोम। इसका मतलब यह है कि 40-45 साल में क्या होते हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं, वो अपना अपना इंडिपेंडेंटली करना चालू कर देते हैं, जल्दी शादी हो गई होंगी तो ये स्त्री के बच्चों की भी शादी हो जाती है, हस्बैंड का बिजनेस या उनकी उनकी सर्विस या जो भी है उसमें वो बिजी है, और हाउसवाइफ रही तो घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है अकेले अकेलापन का। तो इसलिए खुद को बिजी रखना, सोशल सपोर्ट लेना, सोशल क्लब ज्वाइन करना, और कुछ साथ साथ में काउंसलिंग भी करना। इसके साथ साथ यदि इस्ट्रोजन थेरेपी वो लेती है, बहुत ज़्यादा यदि प्रॉब्लम है तो इस्ट्रोजन थेरेपी मतलब वो दवाई इस्ट्रोजन की जो कम हो गया है उसकी ट्रीटमेंट, उसका इंजेक्शन, उसकी गोलियां लेना, प्रोजेस्टिन जो नाम का जो दवाई है उसकी थेरेपी करना, क्लोनिडिन नाम की गोली है उसकी थेरेपी करना, या SSRI नाम की जो मतलब ड्रग्स है उसकी ट्रीटमेंट करना, ये काफ़ी फायदेमंद रहता है। हॉट फ्लैशेस के साथ में यदि डिप्रेशन रहा, निराशा, उदासीनता वो भी काफ़ी स्त्रियों में दिखती है, तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे महत्व का ये है कि ये नॉर्मल फेज है, ये तो आने वाला है, 40-45 साल के बाद में ये नॉर्मल होने वाला है, नॉर्मली उनका जो मासिक धर्म है वो बंद होने वाला है, उसे नॉर्मली सेक्स की इच्छा कम होती है उम्र के हिसाब से, तो इसको स्वीकार करना खेलते खेलते एकदम लाइटली, और उसमें ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना कि नहीं अभी मैं काम की नहीं रही, इन फालतू के दिमाग में विचार नहीं लाने का कि मैं काम की नहीं रही, अभी मेरे हस्बैंड और कहीं बाहर जाएंगे, मेरा सेक्स में अभी इंटरेस्ट कम हो गया है, ऐसा ऐसा मतलब ऐसे कुछ काफ़ी सारी बातें दिमाग में लाए, तो उससे क्या होता है कि वो जो आंग गर्म होना मतलब हॉट फ्लशेस उसकी तकलीफ़ ज़्यादा होती है, डिप्रेशन की तकलीफ ज़्यादा होती है, और फिर बाकी जो मानसिक बीमारियां हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाता है, जैसे कि स्किजोफ्रेनिया है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, बाइपोलर डिप्रेशन या बाइपोलर मैनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब बाकी काफ़ी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका इलाज जल्दी करो, स्वीकार करो, और ये मतलब साइकेट्रिस्ट के पास में लोग जाते ही नहीं, साइकेट्रिस्ट की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, साइकेट्रिस्ट इज द बेस्ट पर्सन जो काउंसलिंग करेगा, और काउंसलिंग करके हिप्नोसिस करके अलग अलग साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करके उनको अच्छा कर सकता है। तो ये लोगों को मालूम नहीं, इसलिए ये जो वीडियो है ना इसका प्रचार प्रसार काफ़ी लेडीज़ में कर दो, काफ़ी सारे लेडीज़ को मालूम होना चाहिए कि ये नॉर्मल है, उसके ऊपर इलाज क्या है, समझो ऐसा होता है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, आपके अलग अलग फेसबुक के ग्रुप के ऊपर जो इसको स्प्रेड करो, फैलाओ उसको, और आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मेरे वीडियोस में हरदम डालते रहता हूँ, आप यदि वो बेल आइकॉन को हिट करते हैं ना तो मेरे वीडियो का इंटीमेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा और आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।